हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी सीएचएसएल का जो है जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसमें सिलेबस क्या क्या होगा, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्या क्या पोस्ट हैं और उन पोस्टों का जो है सैलरी कितना होगा। तो अगर आप ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ से पहले हो, और अगर आप चाहते हो कि ट्वेल्थ के जस्ट ख़त्म होने के बाद ही आपके पास जॉब हो, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो के अंत तक देखें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या होगा और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम बताने वाले हैं कि इसमें सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इस एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, इसमें क्या क्या पोस्ट हैं और उन पोस्ट का सैलरी क्या होगा। तो फर्स्ट में मैं बता देना चाहूँगा कि आप ऐसे कृपया सब्सक्राइब कर दें, इसमें ऐसे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं आपके सिलेबस, स्टडी मटेरियल्स और स्कॉलरशिप ट्यूटोरियल्स और अनबॉक्सिंग का, तो फ्यूचर वीडियोस मिस ना हो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये है सो तीन टायर में होगा, तीन स्टेज में होगा। अगर आप फर्स्ट टायर का पास करते हैं तो उसके बाद सेकेंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट वाला जो है सो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, इस जिसमें कि सो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वही सब आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। सेकेंड टायर में आपका ऐसा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव होगा। थर्ड में ऐसा आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, ये सारे को मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये हो गया आपका टायर वन। ये टायर वन आपका ऐसा ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन टेस्ट जो टायर वन है, इसमें ऐसा चार पार्ट में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये चार पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट है। पार्ट वन में ऐसा सब्जेक्ट है सो आपका जनरल इंटेलिजेंस, फिर ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये सारा है सो आपका 25-25 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में है सो 25 क्वेश्चन, और हर एक 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 क्वेश्चन है सो आपका 2 मार्क्स का होगा। इसलिए सो आप देखें, यहाँ 25 क्वेश्चन है, इसका 50 मार्क्स हो जाएगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, वो 100 क्वेश्चन का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का। तो आपका जो टायर वन है एग्जाम, टायर वन एग्जाम है सो आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टायर वन में है सो क्या है, टायर वन है सो 60 मिनट का होगा, 1 घंटा का। अगर जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है उनके लिए सो 80 मिनट मिलेगा, उसको छोड़ दीजिए। तो है सो ये एग्ज़ाम आपका 1 घंटे का है, इसमें आपका होगा 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस बनाने हैं 1 घंटे में। इसमें सो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपका ये खुशी का बात ये है कि आपका जो एक सेकेंड आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में एग्ज़ाम होगा आपका। आप इसे आप देख सकते हो पार्ट 1, 3, 4 लिखा हुआ है। पार्ट टू इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि पार्ट टू आपका है सो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का है, ठीक है। तो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में एग्ज़ाम होगा, मतलब दोनों में आप है सो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दोनों में क्वेश्चन रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको ऐसे 0.5 मार्क्स कटेंगे रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। तो आपको सावधानी से भी देना है। बात करते हैं टायर टू का। ये टायर टू में सो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें है सो आपका इसमें देखा जाए तो आपका है सो एक ऐसे रहेगा और लेटर रहेगा, लेटर या तो एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। तो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, पेन पेपर मोड में देना है। इसका टाइम लिमिट भी रहेगा, इसका भी 1 घंटा रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट टायर कंप्लीट करते हो तो सेकेंड टायर में आ सकते हो, जिसमें कि ऐसा ये 100 मार्क्स का है। इसमें एक ऐसे रहेगा, लेटर रहेगा, लेटर एप्लीकेशन। ऐसे आपको देना है 200 से 250 वर्ड्स के में, और लेटर या एप्लीकेशन है वो ऐसा आपको 150 से 200 वर्ड्स में देना है। तो इसमें पासिंग क्रिटेरिया ये रखा है कि 33% होना चाहिए। अब जो फाइनल आपका जो मार्क्सशीट आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा मेरिट लिस्ट, उसमें सो आपका टायर वन और टायर टू दोनों का मार्क्स कंसीडर करके आपका टायर टू का मतलब फाइनल लिस्ट निकालेगा। अब देखा जाए टायर थ्री है सो आपका है सो आप क्या लेना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आपका टायर थ्री होगा। अब मान लीजिए कि आप ऐसा डेटा एंट्री में ऐसा जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो उसके लिए सो स्किल टेस्ट होगा। अब सेकंड में देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा आपका
लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो आपको पहले चूज कर लेना है कि आप किस लिए भर रहे हो। अगर आप भर रहे हो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो देखते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या क्या होता है, क्या क्या करना रहता है। यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर में ऐसा आपको यहाँ पे इसका ये इसमें ऐसा आपका एग्जाम नहीं होगा, आपको ऐसा ट्रेनिंग टाइप का एक लेगा वो, इंटरव्यू टाइप का। पर उसमें इंटरव्यू आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें आपको करना क्या है कि ऐसा आपको पैसेज दिया जाएगा, प्रिंटेड पैसेज, ठीक है, इंग्लिश में, जिसमें कि 2000 से 2200 तक ऐसा आपको स्ट्रोक्स की डिप्रेशन मतलब उतना की प्रेस करना है, ठीक है, जो भी जो कि 15 मिनट के अंदर। तो 15 मिनट के अंदर आप कितना ऐसो बटन प्रेस करते हो, की प्रेस करते हो कीबोर्ड में, वो आपका काउंटिंग होगा। तो आपका कितना करेक्ट एंट्री रहेगा उसके अनुसार पे आपका काउंटिंग होगा। ये ऐसो क्वालिफाई के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो स्किल टेस्ट जो है, ये टाइपिंग टेस्ट होगा इसके लिए, लोअर डिविजन क्लर्क के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा आपका 10 मिनट के लिए, ठीक है, आपको 10 मिनट के लिए टाइम मिलेगा, उसमें आपको 15 मिनट का टाइम था। इसमें सो इसमें टाइपिंग स्पीड देखेगा, कितना टाइपिंग स्पीड है इसका, इसमें आपको देखेगा कि 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में सो आपका 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। उसमें सो लिमिट है कि आपको इतना की डिप्रेशन 15 मिनट में करना है, पर इसमें सो आपका टाइपिंग स्पीड देखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सैलरी। तो सैलरी का देखा जाए तो आपका ऐसा 5200 से लेकर 20200 तक है, ठीक है, जिसमें कि आपका ग्रेड पे रहेगा अलग अलग। आप जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इतना पेमेंट इंक्रीज होगा। तो देखा जाए तो सारा पोस्ट के लिए सैलरी लगभग सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए तो आपका ये सिलेबस है, तो मैंने बताया था 4 पार्ट का, एक जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और वगैरह वगैरह। तो आप देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट जनरल इंटेलिजेंस में आपका यही सब सिलेबस रहेगा, जिसमें कि आपका देख सकते हैं वेन डायग्राम, नंबर सिस्टम, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये सब सिलेबस है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, आइटम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है सो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें सो आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, जो कि आपको 12th तक में सो आपका इजिली हो जाएगा। इसमें 10th लेवल, 11th, 12th लेवल तक का ही पूछा है। तो ये सब सिलेबस मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप ये सब देख लीजिए। आपका ये हो गया लास्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको देखेगा इन्वायरमेंट से पूछेगा, करेंट इवेंट से पूछेगा, आज का मतलब क्या क्या हो रहा है न्यूज़ से, फिर पूछेगा ज्योग्राफी, साइंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप ये हो गया वीडियो का एंडिंग, थैंक यू। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, ठीक है। मैं आगे और भी वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप कोई भी फ्यूचर वीडियोज मिस ना हो, इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।